आज की इस कक्षा में हम जातिवाद का अर्थ और उसके प्रमुख कारकों को समझने का प्रयास करेंगे जातिवाद यानी कास्टिज़्म कास्टिज़्म या जातिवाद की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं यह है जाति व्यवस्था से संबंधित एक बुराई है जो भारतीय समाज की एकता के लिए बड़ी चुनौती के रूप में हम इसको देखते हैं जातिवाद को अधिक समझने के लिए हम सर्वप्रथम कुछ परिभाषाओं और विद्वानों की राय से इसको समझने का प्रयास करेंगे पहली परिभाषा हम जातिवाद की काका कालले कर के अनुसार लेते हैं यह लिखते हैं कि जातिवाद अंध और परिसीमित परिमित यह लिखते हैं कि जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है यानी समूह विशेष के प्रति जो अंधव्यक्ति होती है जो सामाजिक मानदंड नैतिकता और भ्रातत्व की भावना के विरुद्ध है तो उसको काका काल जातिवाद के रूप में बताते हैं इसी प्रकार डॉक्टर एन प्रसाद कहते हैं कि जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है यानी वो कहते हैं कि एक जाति के प्रति जो निष्ठा जो राजनीतिक रूप से रूपांतरित हो जाती है उसे जातिवाद कहा जा सकता है तो इस तरह से हमने दो विद्वानों की राय में जातिवाद को समझा अब यदि हम अपने शब्दों में ये कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जातिवाद एक ऐसी भावना एक ऐसी निष्ठा है एक ऐसी मना स्थिति से उत्पन्न सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों की तुलना में अपनी जाति को न सिर्फ श्रेष्ठ समझता है बल्कि वह है उस अन्य जातियों के हित के प्रतिकूल या अन्य जातियों के हित अन्य जाति के व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल भी उनको नुकसान पहुंचाते हुए भी खुद की जाति और उसके खुद की जाति के व्यक्तियों का स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है उनके हितों की पूर्ति करना चाहता है तो ऐसी स्थिति को हम जातिवाद कह सकते हैं अब हम जातिवाद के प्रमुख कारकों को समझने का प्रयास करेंगे कि जातिवाद आखिर हमारे समाज में हमें क्यों देखने को मिलता है पहला महत्वपूर्ण कारण है वैवाहिक प्रतिबंध विद्वानों की राय है कि जो वैवाहिक प्रतिबंध है यानी एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा इस तरह के जो परंपरागत वैवाहिक प्रतिबंध है हालांकि कानून ऐसा स्वीकार नहीं करता है मगर परंपरागत जो जातीय प्रतिबंध है अंतविवाह के और सामाजिक संपर्क के उसकी वजह से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है क्योंकि एक व्यक्ति अपनी ही जाति में संबंधों की स्थापना कर सकता है दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है जाति को ऊंचा उठाने की लालसा यानी व्यक्ति अपनी ही जाति के जातीय स्थिति जो समाज में उसको ऊपर उठाना चाहता है अन्य जाति की तुलना में तो वह भी जातिवाद को जन्म देती है तीसरा महत्वपूर्ण कारण यातायात और संचार के साधनों का विकास है जैसे जैसे यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि एक जाति के व्यक्ति द्वारा अन्य स्थान पर दूर बसे हुए अपनी ही जाति के व्यक्तियों से संपर्क आसान हो गया है किसी भी तरह की गतिविधियाँ जो जाती आधार पे होती है संगठन के कोई कार्य होते हैं इसको भी आपस में संपर्क करना और विस्तार करना आसान हो गया है तो इसके कारण हमें देखते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा मिलता है क्योंकि संपर्क आसान हो गया है तो ये वाद भी मुझे लगता है आसानी से बढ़ा है आगे क्योंकि जातीय संपर्क इससे आसान हुआ है चौथा महत्वपूर्ण कारण है जजमानी प्रथा का विघटन जजमानी व्यवस्था का मतलब ये था कि पहले ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से जातियों में और परिवारों में कुछ मतलब जो सेवा कार्य वाली जातियाँ थीं वह अन्य जातियों के व्यक्तियों के यहाँ परंपरागत और पारंपरिक रूप से पारिवारिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के यहाँ सेवा देती थी जो एक दूसरे से जातियों को जोड़ती थी किंतु हमें देखते हैं कि जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई है समाज में कहीं कहीं इसके दर्शन होते हैं तो जजमानी व्यवस्था की समाप्ति ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण बिंदु हम ले सकते हैं जातिवाद के बढ़ावे औद्योगिकरण भी एक प्रमुख कारण है औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि जातियों के जो परंपरागत पेशे थे जो व्यवसाय थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गए या समाप्त भी न कहें तो काफ़ी संख्या में सीमित हो बड़ी मात्रा में सीमित होने लग गए ऐसी स्थिति में जातीय असुरक्षा की भावना आई जाति रोजगार को लेकर असुरक्षा की भावना आई और औद्योगिकरण से इतने रोजगार भी नहीं बने कि परंपरागत रूप से जाति अपना जो रोज़गार छोड़ के गई वो सब उसमें एडजस्ट हो सके तो ऐसी स्थिति में इस असुरक्षा की भावना ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया लोग अपनी ही जाति के अधिकारों और उसके संरक्षण के लिए हित चिंतन से आगे बढ़कर जातिवाद की तरफ बढ़ गए तो इससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिला इसी प्रकार नगरीकरण ने जातिवाद को बढ़ावा इस दृष्टिकोण से दिया कि नगरीकरण के कारण क्या हुआ कि नगरों में बड़े बड़े जातीय संगठन हमें देखने को मिले लोग सांस्कृतिक रूप से और अन्य आधारों पर जातीय आधार पर संगठित होने संगठित होने लगे और उससे भी जातिवाद को बढ़ावा हमें देखने को मिला जातीय नियम जातीय नियमों ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया हम देखते हैं परंपरागत समाज में कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और कुछ जातियों पर विभिन्न तरह की लागू की गई तो इसका परिणाम ये हुआ कि जिन जातियों पर निर्योगिताएँ लागू की गई उनमें एक असुरक्षा और कुंठा की भावना उत्पन्न हुई और इस तरीके से आपस में जातिवाद की जो स्थिति है वो बढ़ी हुई हमें दिखाई देती है तो परंपरागत जातीय प्रतिबंध भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमें प्रतीत होता है इसी प्रकार संस्कृतिकरण एक प्रमुख कारण है संस्कृतिकरण जो डॉक्टर एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है वो ये कहते हैं कि निम्न जातियाँ जातीय स्तरीकरण में अपने स्तर को ऊंचा उठाने की लालसा में ऊंचे जातियों के रीति रिवाज परंपराएं प्रथाओं इत्यादि को उनकी नकल करती है इस प्रक्रिया के कारण भी जातियों में अपनी जाति को लेकर उसके उत्थान को लेकर एक भावना पाई जाती है और उस भावनाओं से भी हमें पता चलता है कि जातिवाद बढ़ावा जातिवाद को बढ़ावा मिला है अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें जातीय संगठन जातीय संगठनों ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया विभिन्न प्रकार के जातीय संगठन सभी जातियों में हमें देखने को मिलते हैं ये संगठन क्या करते हैं कि अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं किंतु कई बार हम ये देखते हैं कि ये प्रयास जाने अनजाने में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं जातीय जो इकट्ठा होने की बात है जाति के लोगों की अपने हित के प्रति जागरूक होने की बात है तो इन सब चीज़ों ने भी मेरे को लगता है कि विद्वान ये मानते हैं जातिवाद को बढ़ावा देने में यह कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जातिवाद के कारक का है वह है राजनीति राजनीति ने जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया स, जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में बने रहने के लिए जातीय व्यक्तियों को जाति बाहुल्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं जातियों में जो स्थानीय स्तर पर जातियाँ हैं उनमें जातिवाद को बढ़ावा देते हैं अपनी जाति के वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था ने जो राजनीतिक कारक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जातिवाद को बढ़ावा देने में क्योंकि आप जानते हैं कि जाति जो राजनीति है कई जगह हम देखते हैं वो जाति से प्रेरित होती है यह भी जातिवाद को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारक है तो प्रिय विद्यार्थियों आज हमने जातिवाद का अर्थ और उसके कारकों को समझने का प्रयास किया इसे आप पुनः पुस्तक से पढ़कर अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं धन्यवाद